सब्सक्राइब कीजिए पीएचडीपी क्रिएशन चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपके बोर में कुछ लोहे का चीज़ गिर गई हो या फिर आपके बोर की जो है मोटर जो है अंदर ही टूट के अंदर गिर गई हो या फिर उसको जो है लोहे के पाइप लगे हो और वो जो है टूट के अंदर गिर गई हो, तो उसके जो है कैसे भी निकाले या फिर अपने क्रेन वेन से निकालने की कोशिश की फिर भी नहीं निकला, तो ये वाले जो है इससे आप उसको जो है बाहर निकाल सकते हो। या फिर पहले जो हम यूज़ करते थे रोप वायर, वो अगर टूट के बोर के अंदर बोरवेल के अंदर चला गया हो तो उसे जो है कैसे हम बाहर निकाले, तो उसको जो है हम बाहर तो नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने अगर उसमें जो मैग्नेट डाला तो जो है केसिंग अपना आयरन का होता है तो उसको जो है वो अटक जाएगा और आपको जो है वो जो रोप आ रहा है वो ऊपर नहीं आएगा। तो उसके लिए जो ट्रिक होनी होगी वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जो कोई भी लोहे की चीज़ बोरवेल में गिर गई है उसको जो है निकालने की आप पूरी कोशिश कर चुके होंगे, अगर नहीं निकली तो सिंपली आप क्या कीजिए कि आप जो है एक नमक की बोरी मार्केट से खरीद लीजिए और उसे जो है अपने बोरवेल में डाल दीजिए। वैसे ही मेरे बोरवेल के साथ भी हुआ था, मेरे बोरवेल में रोप वायर गिर गया था, तो जो है उसे जो है मैंने रिप्लेस करने की कोशिश की, मतलब जो है बोरवेल की गाड़ियाँ बुलाई और उसको जो है फिर से उसमें जो बोरवेल खोदने की जो मशीन होती है वो डाली, मगर उन्होंने कहा कि वाला जो आयरन का पार्ट है वो जो है कटर छील नहीं सकता, मतलब उसको जो है चीर के ऊपर नहीं ला सकता। उस को जब हम करने जा रहे थे मगर उसकी जो है मशीन काम नहीं कर रही थी, वो बोले हमें कि वो जो उसको नीचे कटर लगा होता है वो ख़राब हो जाएगा इससे, तो उन्होंने वापस अपनी पाइप्स वापस निकाल लिए और वो जो है वो करने के लिए मनाही कर दी। तो हमने एक ट्रिक निकाली है, तो वो जो है आधे तक हमारी मोटर गई थी तो हम आधे तक ही डाल के पानी निकाल रहे थे, मगर हमें पूरा पूरा नीचे ज़्यादा पानी था तो उसको जो है निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला जो बोरी है उसको फाड़ के अंदर डाल दूँगा, पूरी की पूरी बोरी डालनी है। ऐसा रेगुलर आपको एक महीने तक उसको रहने देना है, उसके एक महीने बाद और एक बोरी डालनी है ताकि वो जो है अंदर जो कोई भी लोहे का पार्ट हो वो जो है उसको रस्ट लग जाए और वो जो है जंग जाए। वो जो आपने नमक डाला है उससे क्या होगा कि आपने जो भी आयरन का पार्ट है या फिर स्टील का पार्ट है वो जंग जाएगा और उससे जो है उसकी मिट्टी बन जाएगी, तो उससे जो है आपका बोरवेल पूरा तरह के से फ्री हो जाएगा। अगर आपको अगर वो नीचे जाके बैठ गया तो आपका जो है पूरा खर्चा बच जाएगा और आपको जो है मोटर डायरेक्ट के लिए आप डाल सकते हो, अगर नहीं होगा तो आपको जो है सिंपली उसको रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो है वो सड़ गया होगा तो उसकी पूरी मिट्टी बन जाएगी और मिट्टी बनने के बाद वो जो बोरवेल की मशीन है उसमें काम करेगी तो और वो जो है पूरी जो जंग लग चुका है उस आयरन की पार्ट को और जंग की वजह से वो पूरा सड़ जाएगा, तो वो सड़ा हुआ पार्ट नीचे ऊपर आ जाएगा और आपका जो है बोरवेल फिर से आपको रिप्लेस करके आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली इस तरीके से कीजिए। इसका जो रिज़ल्ट होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा ताकि आप वो देख सकते हो कि वो जो है मैंने रिफ्रेश करके फिर से कैसे यूज को लाया। अब आप क्या करोगे, ये वाला जो बोर ऐसे ही खुला मत रखिए, उसको जो है लगाने के लिए मैंने एक जो है ट्रिक लगा के एक उस पर ढक्कन लाया है, ऐसे आप उसको ढक्कन बना सकते हो। ये जो ढक्कन बनाने की प्रोसेस है वो मैंने दूसरा वीडियो उस पर बनाया है, तो आप उसे जाके देख सकते हो उससे जो कैसे टाइट करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें जो है आपको सिर्फ उसके जो है बोल्ट टाइट कर देना है और वो जो नट होते हैं वो उसको टाइट पहले से ही वेल्ड करके रखे, तो इसका जो है आपको वीडियो देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप उसको जो है जाके देख सकते हो। तो इसका जो है रिजल्ट आएगा तो वो आपको बता ही दिया है मैंने कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मैं, बाद में जब एक साल बाद पूरा सड़ जाएगा और मैंने रिप्लेस करने के बाद ये कैसा दिखेगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और मेरे चैनल PhDP क्रिएशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में।